हेलो, सुस्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहां पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वेनमवर्स का एक और एक्साइटिंग पार्ट। लेकिन अगर आप मेरे चैनल को फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो उस फेसबुक पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और साथ ही साथ फोर फन की भी, जिस एप्लीकेशन के साथ आप वीडियोस को व्हाट्सएप पर शेयर करके भी अर्न कर सकते हैं। और आपकी एक्साइटमेंट को ना बढ़ाते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कुछ पॉइजन्स को जो सेंस कर लेते हैं कुछ वेनम सिम्बियोट्स को, और वहां पर हम देखते हैं होस्टलेस पॉइजन्स को और पॉइजन सैबरटूथ और पॉइजन ग्वेनपूल को, जहां पर वो कहता है मैं सेंस कर सकता हूँ सिम्बियोट्स को। जिस पर ग्वेनपूल कहती है ये बहुत ही क्यूट है, वो छुप रहे हैं और हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। लेकिन तभी वहाँ पर लैंडमाइन के ऊपर पावर रखने की वजह से कुछ पॉइजन्स वहाँ पर ब्लास्ट हो जाते हैं। जिस पर सैबरटूथ ग्वेनपूल से कहता है उन्होंने सारे रास्ते पर माइंड लगाए हुए हैं, अलर्ट रहना। लेकिन तभी रूफटॉप से रॉकेट अपनी गन तानते हुए कहता है हाँ बोनहेड, तुमने हमें तो सेंस कर लिया लेकिन तुम उन्हें स्मेल नहीं कर पाएगे, मैं बेट लगा कर कह सकता हूँ। और उसे देखते ही ग्वेनपूल उस पर अटैक करने लगती है, जिस पर वो कहता है तुम लोगों ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, गमोरा, क्विल, यहाँ तक कि मुझे ग्रूट को भी मारना पड़ा जब वो तुम्हारे जैसा हो गया, और ये सब उन गार्डियंस के तौर पर मैं तुमसे लड़ूंगा। और तभी हम देखते हैं वहां पर X-23 ओल्ड मैन लोगन और वेनम को उनको मारते हुए, और X-23 और ओल्ड मैन लोगन सैबरटूथ को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सैबरटूथ ओल्ड मैन वेनम को वहीं पर एक दीवार पर पटक देता है और X-23 को पकड़ते हुए कहता है देखो एक ओल्ड मैन की ग्रैंड डॉटर मेरे साथ खेलने के लिए आई है, और उसे पकड़कर वो कहता है नाइस ट्राई गर्ल, तुम्हारा स्पिरिट अच्छा है और ये हाइव के लिए क्लेम किया जाएगा थोड़ी ही देर बाद। लेकिन तभी ओल्ड मैन वेनम उसके पीछे से अपने क्लॉज घुसाते हुए कहता है तुम हमेशा से एक वर्थलेस थे और तुम ये डिजर्व नहीं करते थे, लेकिन अभी अभी तुम्हारे सीने में जो गड़ा है वो तुम जरूर डिजर्व करते हो। या दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन्हें लड़ता देखकर ग्वेनपूल कहती है तो चलो देखते हैं कि कौन सा छोटा वेनम पहले शूट किया जाता है, और तभी वेनम आकर उसे पीछे से पकड़ लेता है, लेकिन वो पॉइजन सिम्बियोट की मदद से उसे दूर फेंक देती है और कहती है हमने हल्क वेनम और कैप्टन अमेरिका वेनम तक को देखा है, यहाँ तक कि वुल्वरिन वेनम तक को, लेकिन तुम तो एक प्लेन हो, सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन जेन, तो तुम्हें सिर्फ पार्टी के लिए इन्वाइट किया गया है लगता है। यहाँ पर एंटमैन वहां पर आता है और कहता है शायद तुम मेरे बारे में भूल गए, वो जेंटमैन बनकर ग्वेनपूल को अपने हाथ में पकड़ता है। यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैबरटूथ से अभी भी X-23 और ओल्ड मैन वेनम लड़ रहे थे, जहाँ पर वो कहता है तुम आखिर खेल क्या रहे हो, क्या तुम छुपने से बोर हो चुके हो, तो इसीलिए तुम सुसाइड रन खेल रहे हो। लेकिन वेनम तभी कहता है कि हमें जो चाहिए था वो मिल चुका है और अब बिग रेड तुम्हारी बारी है। और तभी उस रोड में से कार्नेज बाहर आते हुए कहता है उन्होंने सिर्फ लैंडमाइन नहीं बल्कि मुझे भी प्लांट किया गया था, और बाहर निकलते हुए वो सैबरटूथ को पकड़ लेता है और कहता है मैं एटम बॉम्ब हूँ न कि लैंडमाइन। इस पर सैबरटूथ कहता है तो तुम ही हो वो सीक्रेट वेपन, लेकिन तुम रिवील होने से पहले जितना डरावने लग रहे थे उतने हो नहीं, तुम डेडली तो बिल्कुल भी नहीं हो। जिस पर उसका हाथ काटते हुए कार्नेज कहता है तुम खुद को यह समझाते रहो लेकिन मैं तुम्हें इस पर भरोसा करना सिखाऊंगा। लेकिन तभी वेनम उसे पकड़ता है, जिस पर कार्नेज कहता है डैडी मेरे रास्ते से हट जाओ, जिस पर वेनम कहता है खेलना बंद करो और उसे मार दो। जिस पर कार्नेज कहता है अगर मैं अपना काम एंजॉय नहीं करूंगा तो काम करने का मजा ही क्या है। लेकिन तभी पॉइजन सैबरटूथ वेनम को कार्नेज के ऊपर फेंकता है और वो कहता है अगर तुम्हारी यही डेथ विश है तो भी कुछ नहीं बिगड़ता क्योंकि तुम्हारी जरूरत किसी को नहीं है, और आज ना कल तुम सभी तुम्हारे सारे सिम्बियोट्स हमारे लिए क्लेम किए जाएंगे। लेकिन तभी रॉकेट रकून सैबरटूथ पर गोलियां चलाना शुरू करता है और पीछे से ओल्ड मैन वेनम उसे काट देता है। आगे बढ़कर वेनम कहता है क्लेटस जाओ अब तुम्हारी बारी है, और वो आगे जाते हुए उसका सर काटता है। और आगे कार्नेज कहता है तुम समझ चुके होगे एक बार ये खत्म हो जाए तो तुम जोकर नेक्स्ट होगे। इस पर वेनम कहता है हम ये याद रखेंगे। इस पर कार्नेज कहता है और मैं ये तुम्हें भूलने भी नहीं दूंगा। यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी भी ग्वेनपूल को जायंट मैन ने पकड़ रखा था और वो कह रहा था मैं इसे तुम्हारी तरफ फेंक रहा हूँ अब तुम ही इसे संभालो। लेकिन तभी कार्नेज किसी को सेंस कर लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्कारलेट विच डूम से मिलती है, जहां पर डूम पूछता है कि हो क्या रहा है, क्या न्यूज है। जिस पर वो बताती है लॉर्ड डूम डॉक्टर स्ट्रेंज वीकन हो रहा है, मैं फील कर सकती हूँ उसका डिफेंस टूट रहा है, सिर्फ कुछ ही वक्त के बाद वो हमारे साथ होगा और हम उसका डिफेंस तोड़ देंगे। जिस पर आगे डूम कहता है हाँ सही कहा, टाइम की ही तो बात है, हमारी स्पेसिस बहुत पहले सिर्फ पिटीफुल थी लेकिन अब सबसे पावरफुल बीइंग है यहाँ पर, और एक बार स्टीफन हमारी मदद करने के लिए तैयार हो जाए तो हम
इससे भी ज्यादा पावर कलेक्ट कर सकते हैं जितना हमने अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं वेनम्स के हाइडआउट पर ब्लैक पैंथर अपनी ड्यूटी निभा रहा था और वॉच रख रहा था, जहाँ पर मेनी आकर उससे बात करती है और कहती है तो तुम अपना काम कर रहे हो वॉचिंग ड्यूटी। इस पर वो कहता है हाँ ये बोरिंग तो है लेकिन ये तुम्हें बता देता है आखिर सभी जगहों पर हो क्या रहा है। इस पर वो पूछती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज तुम्हें यहाँ लाने से पहले तुम कर क्या रहे थे। इस पर वो बताता है कि लास्ट मुझे याद है कि मैं ग्लोबल पीस समिट में पार्ट लेने के लिए वहाँ पर जा रहा था और मैं प्रेजेंट करने वाला था जो कि मेरे लोगों ने डेवलप किया था। और वो पूछता है कि तुम क्या कर रही थी। इस पर मेनिया कहती है मैं स्कूल में थी। और वो आगे बताती है और अब हम दोनों एक किंग और एक टीचर यहाँ पर है। और तभी वो अपनी ड्यूटी कंटिन्यू करने लगता है। यहाँ पर वेनपुल को उन्होंने पकड़ रखा था कार्नेज के सिम्बियोट के साथ, जहाँ पर वो कहती है तुम लोग लड़ किसके खिलाफ रहे हो, एक ब्यूटीफुल थिंग के खिलाफ। यहाँ पर तीन लोग एक साथ होते हैं और फ्लैश की वीकनेस हमसे दूर की जाती है और हाइव में हम स्ट्रांग बनते हैं। तुम्हें सिर्फ ये फाइट स्टॉप करने की जरूरत है और तुम भी हम में से एक बच जाओगे। यहाँ पर डरने की जरूरत है ही नहीं। यहाँ पर स्पिनरेटो से पूछती है तो बताओ कि तुम हमें मारना क्यों चाहते हो। इस पर वो कहती है कि तुम सिम्बियोट को अपने साथ बॉन्ड करके अपनी नसों नसों में भर सकती हो और सिर्फ हम न्यूट्रिएंट्स के लिए तुम्हारी होस्ट बॉडी को कंज्यूम नहीं कर सकते। यहाँ पर सिर्फ तुम्हें एब्जॉर्ब किया जाता है, सिर्फ तुम्हारी स्किल्स को और तुम्हारे पावर्स को, और सिम्बियोट के साथ मर्ज होकर हम तुम्हारे साथ ही जीते हैं और होस्ट भी हमारे साथ ही जीता है। यहाँ पर तुम लोग हमें पॉइजन्स कहते हो और ये नाम सिर्फ और सिर्फ फियर की वजह से आया है, लेकिन हम असलियत में सिर्फ एक परफेक्ट होस्ट है। हम कंज्यूम करते हैं तुम्हारे फिजिकल बॉडीज को और बॉन्ड होते हैं तुम्हारे सिम्बियोट के साथ और हम उन सभी चीजों को साइलेंस कर देते हैं जैसे कि क्विल और कियोस, जो कि तुम्हारे माइंड को कंट्रोल करने के लिए तुम्हारे माइंड के अंदर चल रही होती है और ये सही तौर पर एक ट्रू सिम्बियोसिस यूनियन है। और इसी के साथ तुम एक एपेक्स प्रेडेटर बन जाते हो और जो डीप डाउन हर एक वेनम चाहता है वो तुम्हें मिल जाता है, तुम ये एडमिट करो या ना करो। इस पर वेनम उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है हमें ये नहीं, हमें ये जानना है कि सारे पॉइजन आखिर छुपे कहाँ पर है, तुम्हें पता है कि वो कहाँ से आ रहे हैं, हमें वो जानना है। इस पर वो कहती है मुझे दुख है लेकिन मैं ये बता नहीं सकती। इस पर कार्नेज उससे कहता है ये अच्छा ही होगा कि तुम बता दो वरना मेरे ब्लेड्स तुम्हें काटने के लिए तैयार बैठे हैं। इस पर वो कहती है तुम्हारे थ्रेट्स पॉइंटलेस है, तुम्हें लगता है कि तुम ये लॉयलिटी तोड़ पाओगे, मैं हाल के साथ गद्दारी नहीं करने वाली। इस पर रॉकेट उससे पूछता है कि तुम हमारे सिम्बियोट्स के अलावा दूसरों के पीछे क्यों नहीं पड़ते, तुम कार्नेज पर क्यों नहीं ट्राई करते। इस पर वो कहती है हमने उसी पर कंट्रोल किया है जो कि हमारे पास आया है, आज ना कल हम कार्नेज को भी समझ ही लेंगे। हम अभी तक उसे इसलिए कंज्यूम नहीं कर पाए क्योंकि हम उसे समझ नहीं पाए, लेकिन जल्दी हम उसे भी समझ लेंगे। यहाँ पर तभी उसके सिर में बहुत सारे हथियार घुसते हैं और हम देखते हैं डेडपूल को, और डेडपूल को पीछे से पकड़ते हुए मेनिया कहती है हमने इसे रोकने की कोशिश तो की लेकिन ये बहुत स्ट्रांग है। इस पर उसकी तरफ बढ़ते हुए कार्नेज कहता है तो फिर इस जंपर को मेरे पास लाओ क्योंकि मैं अभी भी एक को मारने की फिराक में हूँ। लेकिन तभी वेनम कहता है कि उसे मारो मत, हमें वो जिंदा चाहिए। इस पर कार्नेज के साथ लड़ते हुए डेडपूल कहता है तुम आखिर कह किससे रहे हो, इनसे या मुझसे, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ यहाँ पर। इस पर वेनम कहता है तुमने उसे मार दिया जो तुम्हारे साथ थी क्यों। इस पर वो कहता है वो सिर्फ नॉक ऑफ थी, नॉक ऑफ की, और वो तुम्हें हेल्प नहीं बल्कि तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर आई थी, लेकिन मैं मेरी बात अलग है, मैं तुम्हें हेल्प करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, एक हीरोइक वर्क करने के लिए इसे हीरो की तरह। यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी भी स्ट्रेंज अपने मैजिकल शील्ड के अंदर उस पॉइजन से प्रोटेक्ट हो रहा था, जहाँ पर कोई उसे कहता है तुम ये आसान कर सकते हो, सिर्फ गिव अप कर दो, स्ट्रगल बहुत पेनफुल होती है स्ट्रेंज, आखिरकार तुम हमारे साथ ही मिलने वाले हो। इस पर वो कहता है मुझे कुछ चीजें तो पता ही है, लेकिन स्पाइडरमैन कहता है ये लड़ना बंद क्यों नहीं कर देते डॉक, ये अच्छी बात है, तुम इसे बेवजह डर रहे हो, हम अभी बीस में है। जिस पर कैप्टन अमेरिका आगे कहता है हाय में बहुत यूनिटी है स्टीफन, और तुमने हमें बुलाया इसकी वजह से हम तुम पर गुस्सा नहीं है बल्कि मैं तुम्हें थैंक यू कहता हूँ इसके लिए, सिर्फ सरेंडर कर दो और एक स्टेप आगे बढ़कर इस सब कॉन्फ्लिक्ट को खत्म क्यों नहीं कर देते। आगे स्टेज कहता है तुम चाहते हो कि मैं सोल्जर्स को समन करूं तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए और मैं अंधा बन जाऊं अपने फियर के हाथों, नहीं मैं ऐसा नहीं करने वाला और मैं किसी और सिम्बियोट को सर्व तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी स्पेसीज जो तुम्हारे पास है और जो तुम्हारे पास नहीं है उसके बीच में डिफरेंस करना जानती ही नहीं है, या फिर तुम जेलेसी के मारे इतने अंधे हो चुके हो कि तुम ये जान भी नहीं पाते या फिर तुम जाना नहीं चाहते। आगे स्कारलेट भी उससे कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचते हो लेकिन तुम आखिरकार हमारे साथ ही मिलने वाले हो। यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कार्नेज ने डेडपूल को पकड़ रखा था, जहाँ पर डेडपूल कहता है मुझे टाई करके रखना इन कार्नेज टेंटेकल के साथ ये अजीब है लेकिन इफेक्टिव है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मैं कितनी देर तक ड्राइवर सीट पर बैठ पाऊंगा।
ब्लैक पैंथर पूछता है कि तुम तो पॉइजन के साथ हो, लेकिन तुम उसे फाइट कैसे कर रहे हो? जिस पर डेडपूल कहता है, मैंने नोटिस किया कि जब स्पाइडरमैन उसके साथ बॉन्ड हुआ तब सबसे पहले उसने उसके माइंड को कंट्रोल किया, लेकिन मैं अपने ब्रांड ऑफ क्रेजी के दम पर इससे अभी तक लड़ रहा हूँ। इस पर वेनम कहता है, तो तुमने खुद को सैक्रिफाइस किया सिर्फ एक स्पाई बनने के लिए? इस पर आगे कहता है, मुझे पता है कि ये सरप्राइजिंग है, लेकिन मैंने ये किया है और मुझे नहीं पता कि मैं कितने देर तक खुद को इससे दूर रख पाऊंगा। इविल पॉइजन डेडपूल कभी भी मुझ पर टेक ओवर कर सकता है, तो चुप रहो और सुनो कि मैं क्या कह रहा हूँ। हमें लगा था कि स्ट्रेंज समन कर रहा है लोगों को रोकने के लिए, पॉइजन के साथ फाइट करने के लिए, लेकिन हम जितना सोच रहे हैं उससे भी ये कई बड़ी है, उससे भी कई खतरनाक। यहाँ तक कि स्ट्रेंज भी इसके बारे में नहीं जानता। ये सिर्फ एक वॉर नहीं है, ये एक सोची समझी प्लानिंग है और ये उससे भी बड़ा है जो हम सोच रहे हैं। आगे वो कहता है, पॉइजन्स अभी सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट होस्ट के लिए सिम्बियोट्स की तलाश कर रहे हैं, लेकिन सिम्बियोटिक रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं है जितना हम समझते हैं। ये किसी और प्रेडेटर की तरह नहीं सोचते, ये फूड चेन के टॉप पर रहना चाहते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ सिम्बियोट्स के ऊपर एक आर्मर रखने की तरह नहीं है, ये उससे भी कई ज्यादा है। एक बार स्ट्रेंज ने लोगों को बुलाना शुरू कर दिया तो वो लोग इससे भी कई बड़े बड़े कारनामे करने के लिए तैयार बैठे हैं। यहाँ तक कि वो यहीं पर रुकने नहीं वाले और वो तुम्हारे कैप्टन अमेरिका के इस लिटिल रेजिस्टेंस की परवाह तो कब की छोड़ चुके हैं। तुम उनके लिए सिर्फ एक टेस्टी ट्रीट थे, लेकिन स्ट्रेंज उनके लिए एक रियल प्राइज है। यहाँ तक वो भले ही उनके लिए बहुत हार्ड हो, लेकिन इतना भी नहीं। और एक बार स्ट्रेंज ने लोगों को बुलाना शुरू कर दिया तो वो यहाँ के पानी में मौजूद सभी बड़ी बड़ी शार्क्स को एक साथ हंट करना शुरू कर देंगे। आज ना कल वो सारे सिम्बियोट्स को अपने साथ मिला लेंगे और उन्हें वो मिल जाएगा जो वो चाहते हैं। और एक बार उन्हें वो मिल गया तो वो रिलैक्स नहीं बैठने वाले, वो अपनी ब्रांचेस को फैलाना शुरू कर देंगे और वो सिम्बियोट्स को सिर्फ एक वेपन की तरह यूज करेंगे उनके खिलाफ जो कि उनके रास्ते में आने की कोशिश करेगा। और तुम भी उनका रास्ता नहीं काट सकते, तुम लोग सिर्फ और सिर्फ लास्ट लाइन डिफेंस बचोगे तब तक। ये कहते हुए मुझे दुख तो हो रहा है, लेकिन ये सच है। यहाँ पर एक ब्लेड निकालते हुए वो कार्नेज के उन हाथों को काटने की कोशिश कर रहा था और धीरे धीरे काट भी रहा था। और वो आगे कहता है, और इसीलिए मैं पॉइजन एप्पल का एक लास्ट बाइट तुम्हारे सामने रेफर करने के लिए लाया हूँ। और तुम पॉइजन हेडक्वार्टर में घुसना चाहते हो तो मैं उसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि तुम डॉक्टर स्ट्रेंज को रेस्क्यू कर पाओगे। और वो आगे कार्नेज को टॉन्ट मारते हुए कहता है, कार्नेज टफ तो है लेकिन थोड़े दिनों तक, क्योंकि उसके बाद वो बचने नहीं वाला। जिस पर कार्नेज कहता है, तो तुम देख क्यों नहीं लेते कि किसमें कितना दम है? लेकिन तभी वो उसका हाथ काटते हुए उसे पकड़ लेता है और अपनी शॉट रेडी करते हुए कहता है, तो चलो क्यों ना देख ही लिया जाए कि एलिमेंट ऑफ सरप्राइज में कितना दम है। आगे दूसरी तरफ हम देखते हैं कैप्टन अमेरिका को कुछ पॉइजन्स के साथ और वो बढ़ता है स्पाइडरमैन की तरफ, जहाँ पर वो पूछता है कि रिपोर्ट क्या है। जिस पर स्पाइडरमैन कहता है, ये सच है, वो देखे जा चुके हैं कुछ पेरीमीटर्स पर, कुछ ही मिनट पहले वो गेट तक आ चुके हैं। जिस पर कैप्टन अमेरिका पूछता है कि तुम्हारे हाइटेंड सेंसेस क्या कहते हैं इसके बारे में। जिस पर वो कहता है, डेंजर, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन तभी डेडपूल कार्नेज को लेकर आते हुए कहता है, रिलैक्स, कोई बात नहीं है, मैं हार्ट ऑफ वेनम सेंट्रल से अभी आ चुका हूँ और मैं वो सीक्रेट वेपन लेकर आया हूँ जो कि उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, और अब मैं उन्हें ये भी शो कर चुका हूँ कि आखिर बॉस कौन है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय।